खबर भोपाल से। मानसून सत्र से पहले विधायक दल की बैठक हुई, कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक हुई, तो सरकार की घेराबंदी करने को लेकर इस बैठक में रणनीति बन रही है। घोटाले से लेकर बेरोजगारी का मुद्दा सरकार ये विपक्ष उठाएगी, तो सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की यह बैठक होनी है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति, कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र, तो सरकार की घेराबंदी को लेकर भी रणनीति बन रही है। कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक और दूसरी ओर बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हो रही है, और उसमें किस तरीके से सुचारू रूप से सत्र ये चलाया जाए उसको लेकर चर्चा हो रही है। तो सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, मानसून सत्र से पहले विधायक दल की बैठक होनी कांग्रेस में भी और बीजेपी में। तो कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक और सीएम निवास में बीजेपी के विधायक दल की बैठक। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, क्या बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है और क्या रणनीति, किस तरह की रणनीति यहां पर विपक्ष बना रहा है सरकार को घेरने की, और सरकार कैसे इन रणनीतियों से बचने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है? देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और कुछ देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। कल से विधानसभा का सत्र है, विधानसभा में विपक्ष की भूमिका क्या रहने वाली है, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में आवाज बुलंद करने वाला है, और जब बुलंद आवाज करेगा विपक्ष तब सरकार के विधायक सरकार के मंत्रियों को किस तरह से उसका रिएक्शन देना है, विपक्ष के सवालों का जवाब किस लहजे में देना है, दोनों विधायक दलों की बैठक में इसकी ही रणनीति तैयार हो रही है। कमलनाथ जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक ले रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से फोकस इस बात को लेकर है कि जब सदन चले, जब विधानसभा का सदन चले तो उसमें जनता का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए और कांग्रेस विधायक ये प्रतिनिधित्व दिखाए। प्रतिनिधित्व से मतलब यह है कि जनता के मुद्दों की गूंज सुनाई दे सदन के अंदर। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। वहीं हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के आज कैबिनेट की पहले बैठक हुई, इसके बाद विधायकों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर रहे हैं, रणनीति तैयार करना है। जब सदन के अंदर कांग्रेस विधायक मुद्दे उठाएंगे तो उनका जवाब किस लहजे में विधायक बीजेपी के विधायकों को देना है, मंत्रियों को देना है। और बाकायदा इस बैठक में ये भी मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि पास ऑन कैसे करना है, जब कौन से मुद्दे पर कांग्रेस का कौन सा विधायक अपना सवाल उठाएगा और कांग्रेस के किस मुद्दे पर सरकार की ओर से यहां पर रणनीतियों की तैयारी हो रही है, लेकिन जनता के हाथ में कुछ लगना चाहिए, सिर्फ हंगामा ना हो।